लगे हमारे फेरिंग्स का एक अगला टॉपिक और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स से आपका एट चैप्टर है टोटल आपका ये ढिंगरा में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस भी आया हुआ है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस भी आया हुआ है, अलग से बीच में से कॉम्प्लिकेशन भी उनने पूछी हुई है, सेकेंडरी हेमरेज आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी इतनी दफ़ा पूछा हुआ है कि जिसके कोई हद नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर है और बहुत हाई हील चैप्टर है, इसलिए इसको आपने अच्छे से करना है। इसमें से आपका वाइवा भी बहुत ज़्यादा होता है, वाइवा क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ओएसपी में भी आता होगा। ओएसपी की बात बीच में आई तो मैं लाजमी बताऊंगी, लेकिन वाइवा भी जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है, वी हैव टू रिवाइज द एनाटॉमी ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल से मुराद हम पैलेटाइन टॉन्सिल लेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ना, यू हैव नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, लिंगुअल, उन सबको छोड़ के सिर्फ पैलेटाइन टॉन्सिल लेना है हमने इस वक्त। तो एनाटॉमी समझाने के लिए आई गॉट अ, ये तो पिक्चर जो आपको बनी हुई है ना, ये आप समझने एक खुला हुआ, सॉरी फॉर दिस वेरी बैड पिक्चर, ये एक मुंह है जो खुला हुआ है, ये ऊपर वाला होंट है, ये नीचे वाला लिप है आपका, एंड दिस इज योर टंग। ठीक है, मुंह जब आप खोलते हैं आपको इस जगह पर टॉन्सिल नजर आता है, और वो टॉन्सिल क्या होगा हमारी, ये जरा खुबानी इसको कहते हैं, है ना। तो इसकी जगह, इससे हम एक्सप्लेन करते हैं टॉन्सिल्स की एनाटॉमी को। ये इसकी अब आप देख लें, पहले मैं आपको जनरली बता देती हूँ, ये जो खुबानी मेरे हाथ में, अगर हम सपोज करें कि ये टॉन्सिल है, तो एक इसकी ये सरफेस है पूरी ब्रॉड सी सरफेस, दूसरी इसकी ये वाली ब्रॉड सरफेस है। ठीक है, दो ब्रॉड सरफेसेस होगी, फिर ब्रॉड सरफेसेस के दरमियान एक ये पिलर है सीधा सारा, ठीक है, और एक जाहिर है इसके ऑपोजिट यहाँ पर पिलर है, तो दो पतले पतले पिलर्स हो गए, एक ये पिलर हो गया, सॉरी यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, एक ये पिलर हो गया, एक ये पिलर हो गया, ये एक सरफेस हो गई और दूसरी ये सरफेस होगी, और फिर अपर पोल एंड लोअर पोल। सो दिस इज योर टॉन्सिल। बेसिकली टॉन्सिल में आपको ये बातें जो पता होनी चाहिए उसकी एनाटॉमी की, कि यहाँ पर ऐसे करके ये फिक्स होता है। ठीक है, आप जब मुंह खोलेंगे आपको इस तरह से ये नजर आएगा, इस तरह से क्या है, ये इसकी मीडियल सरफेस है, मैंने आपको बताया था सरफेस, ठीक है, पूरा जो ब्रॉड सरफेस है ये मीडियल सरफेस, जिस तरह मेरी ये उंगली है, ये लैटरल सरफेस है टॉन्सिल की। ठीक हो गया, ये जो आगे आपको नजर आ रहा है दिस इज योर एंटीरियर पिलर, और इस पोस्ट पीछे की तरफ होगा इसका पोस्टीरियर पिलर। ठीक हो गया, फिर ये जो ऊपर ये है दिस इज योर अपर पोल एंड दिस इज योर लोअर पोल। तो सिंपली दिस इज योर टॉन्सिल, एग्जैक्टली जैसे आपका टॉन्सिल होता है वैसे ये इस जगह पर फिक्स होगा। हमारे पास जो इसकी बारी बारी सारी सर्विसेज की अगर हम बात कर लें, तो जितना ये नज़र आ रहा होता है ना, पहली बात जैसे अब ये नज़र इतना सही मुझे आ रहा है, लेकिन ये इतना सा नहीं होता, आप मुंह भी खुलवाएंगे ना किसी का तो उसमें इतना ही नज़र आएगा, लेकिन इसकी एक्सटेंशन ऊपर सॉफ्ट पैलेट तक भी होती है थोड़ी सी, और नीचे ये टंग से आपकी अटैच होता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो इसकी मीडियल सर्फेस है ना ये वाली, इसमें अंडरलाइन क्रिप्ट होती हैं सर्फेसेज वगैरह, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अभी जो मीडियल सर्फेस है इसकी, ये इसे प्लेन नहीं होती, ये सपोज लैटरल सर्फेस है टॉन्सिल की, तो मीडियल सर्फेस में ऐसे करके क्रिप्ट्स बनी हुई होती हैं, एपिथीलियम अंदर इमेजिनेट किया हुआ होता है, और उसमें सबसे ऊपर वाली जो क्रिप्ट होती है दिस वन, ये बहुत बड़ी होती है, बाकी देखिए मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, ये काफ़ी बड़ी बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टा मैग्ना, इसको हम क्रिप्टा मैग्ना कहते हैं। इन क्रिप्ट्स के अंदर भी ना चीज़ें फंस सकती हैं, मतलब कोई आपका डेब्रिस है, फूड है, और कोई बैक्टीरिया है, वो इनके अंदर काफ़ी अक्सर फंस जाता है। ये जो आपका एपिथीलियम है इस मीडियल साइड का, इसकी लाइनिंग होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथीलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है लेकिन नॉन केरेटिनाइज्ड टाइप ऑफ एपिथीलियम है, और जो क्रिप्ट्स हैं ये इतनी थोड़ी सी नहीं होती, 12 से 15 क्रिप्ट्स होती हैं इसमें, और जैसे एक क्रिप्ट है ना, इससे मजीद मल्टीपल और क्रिप्ट्स भी निकल रही होती हैं, ऐसे ऐसे स्मॉलर क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इनमें अक्सर चीजी मटीरियल कुछ ना कुछ फंसा हुआ ही होता है। ये आपकी होगी मीडियल साइड। ठीक है, फिर यू हैव योर लैटरल बाउंड्री, सॉरी लैटरल सर्फेस, बाउंड्री नहीं होती, लैटरल साइड पे ही मैंने आपको दिखाया था ना खुबानी की जिस तरह थी, लैटरल साइड पे पूरी सर्फेस होती है, तो जो लैटरल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल है उस पे थिक फाइबरस कैप्सूल होता है जो उसके साथ एडहेरेंट होता है बड़े अच्छे से, तो थिक कैप्सूल है इसकी लैटरल सर्फेस पे। और फिर क्या होगा हमारे पास, हमेशा जो टॉन्सिल जिस जगह पर फिक्स है ना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वी हैव एक प्लेटोग्लॉसस मसल, आगे बल्कि डायग्राम दिखाती हूँ। ओके गाइस, सो आप नॉर्मली मुंह खोलते हैं तो मैंने आपको दिखाया कि टॉन्सिल आपको इस तरह नजर आते हैं, ये भी इन नज़र ज़्यादा दिखाए हुए, कभी कभी तो इतने भी नज़र नहीं आते। ठीक है, और अब देखें, अच्छा इस पिक्चर में देखें है तो बहुत ऐसे पिक्चर तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बताने का मकसद है कि टॉन्सिल जो है ना वो बेड ऑफ टॉन्सिल में पड़ा होता है, वो जो बेड ऑफ टॉन्सिल है उसका एक इंटीरियर पिलर है, एक पोस्टीरियर पिलर है। आपको मैंने बताया था कि कुछ मसल्स होते हैं, यहाँ सॉफ्ट पैलेट से ना एक मसल जा रहा होता है और जाके अटैच हो रहा होता है टंग पे, उसको कहते हैं पैलेटोग्लॉसस मसल, और वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ के नीचे, ये जो आपको नजर आ रहा है इंटीरियर पिलर जिसको इनने कहा है ये वाला पिंक से कलर का, इसके पीछे बेसिकली वो मसल पड़ा हुआ है जो पैलेट से आकर
और टंग पे अटैच होता है, पैलेटोग्लॉसिस, उसकी वजह से ये म्यूकस मेम्ब्रेन ना रेज हो गया है, तो ये आ गया हमारा इंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल या पैलेटोग्लॉसल आर्च उसे कहते हैं। फिर पीछे एक मसल होता है जो कि पैलेट से अटैच होके और पीछे की तरफ चला जाता है अप टू फेरिंग्स, वहाँ अटैच होता है, उसकी वजह से ये पीछे वाला जो पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन है ना ये भी रेज हो जाती है और उसको हम कहते हैं कि पैलेटोफेरेंजियल आर्च है या पोस्टीरियर पिलर है, और उन दोनों के दरम्यान में वी हैव द बेड ऑफ टॉन्सिल। अच्छा तो अब आप इसमें देखिएगा अगर, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, दिस इज़ द व्यू कि अगर हम मुंह के अंदर से मतलब मीडियल साइड को ऐसे कट कर दें तो हमें नज़र आता है ये टॉन्सिल पड़ा हुआ है, दिस इज़ द इंटीरियर, ये इस तरफ जो है ये इंटीरियर पिलर है, ठीक है, पैलेटोग्लॉसस, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर पिलर है पैलेटोफेरेंजियस, और उनके दरम्यान में टॉन्सिल है, ठीक है, या उसकी मीडियल सर्फेस है जो आपको नज़र आ रही है जिसपे क्रिप्ट्स हैं, और लैटरल सर्फेस जो होती है उस पर थिक फाइब्रस कैप्सूल होता है, कैप्सूल के पीछे थोड़ा सा लूज एरियोलर टिश्यू होता है, एंड देन वी हैव द बेड ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। वो लूज एरियोलर टिश्यू इसलिए फायदेमंद होता है बिकॉज उसमें से हमने जब टॉन्सिल ट्रांसफ्लेक्टमी करनी होती है तो बेड ऑफ टॉन्सिल को डैमेज किए बगैर हम टॉन्सिल को रिमूव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट लूज एरियोलर टिश्यू, वो सिंपल आपका कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा जी, तो अब ये देखिए यहाँ पर ही मैं आपको बताती हूँ कि मीडियल सर्फेस पे बता दिया, लैटरल पे मेन बात बेड ऑफ टॉन्सिल है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अपर पोल की अगर मैं बात करूँ, ये अपर पोल है, ठीक है, अब ये देखिए जहाँ पर आपका पैलेटोग्लॉसल फोल्ड और ये पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड या फिर आर्च ये अपर पोल पे मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो आपका ये अपर पोल पे एक सेमी लूनर सा चांद की शेप का एक एरिया बन जाता है यहाँ पर, दिस वन, ठीक है, ये चांद की शेप का इतना सा एरिया, इसमें और टॉन्सिल के दरमियान में हल्की सी जगह है, ठीक है, जो आपका ये ऊपर दोनों का जोड़ है जहाँ पर आपका पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल आर्च आपस में मिल रही हैं, उनके और टॉन्सिल के दरम्यान में हल्की सी जगह, वो हल्की सी जगह जो होता है ना हमारा सुप्रा टॉन्सिल है, फॉसा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो टॉन्सिल है इसमें, फिर जो टॉन्सिल का लोअर पोल होता है ना इसके आगे वाली जगह उसको हम कहते हैं एंटीरियर टॉन्सिलर स्पेस, बेसिकली ये एक ट्रायंगुलर सा फ्लैप होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, देखें ये है एंटीरियर, ये इंटीरियर पूरा वो है ना आपका बाउंड्री सी है, और दिस इज़ योर लोअर पोल, ठीक है, तो इंटीरियर बाउंड्री और लोअर पोल के दरमियान में ये ट्रायंगुलर फोल्ड है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर फोल्ड हो जाता है, और टॉन्सिल के और टंग के दरमियान में हमारे पास एक सल्कस होता है, उसे हम टॉन्सिलोलिंगुअल सल्कस कहते हैं। मैं दिखाती हूँ इस डायग्राम में, आप देखिएगा ये सामने से दिखाया हुआ उन्होंने, दिस इज़ योर टॉन्सिल, दिस इज़ योर टंग, एंड टॉन्सिल और टंग के दरमियान में ये आपका ज़रा सा एरिया है टॉन्सिलोलिंगुअल सल्कस, इसको लेबल किया हुआ, ठीक है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे बेड ऑफ टॉन्सिल की, बेड ऑफ टॉन्सिल बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज अक्सर वो आपसे वाइवा में डायरेक्टली पूछे थे कि बेड ऑफ टॉन्सिल के कंटेंट्स बताएं या इन्यूमरेट करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें टॉन्सिल के पीछे हैं वो सारी बेड में आती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाया गया बहुत क्लियर कट, ये पर्पल वाला टॉन्सिल है, ठीक है, जो आपको इतना सा नज़र आ रहा होता है और ये पीछे यहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ होता है, ठीक है, पूरा पर्पल वाला, इसके पीछे जितनी चीज़ें हैं दे आर द बेड ऑफ टॉन्सिल। अब इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो उनमें से इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि वी हैव, ये जो जितना आपको नजर आ रहा है ना दिस ऑरेंज ऑरेंज सा, ये सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू या लूज एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, और इसमें जो ब्लू कलर की ये नज़र आ रही है दिस इज़ योर वेन, इसको हम पेरिटॉन्सिलर वेन कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि टॉन्सिल इज कवर्ड बाय दिस ग्रीन वाला कैप्सूल, दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, और उसके बाद वी हैव द ये ऑरेंज वाला सारा लूज एरियोलर टिश्यू कंटेनिंग अ पेरिटॉन्सिलर वेन, ठीक है, यहाँ पर बात खत्म होगी। उसके बाद हमारे पास ये आपने देखा एक ये ग्रीन लाइन है, फिर एक रेड है और फिर ग्रीन है, दोनों ये जो ग्रीन वाली लाइन्स यहाँ पर है दीज आर फेशियाज, पहले वाला जो है वो फेरेंजियल फेशिया है, फेरेंजियो बेजल है, दूसरा बको फेरेंजियल, ठीक है, और उनके दरमियान में सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल। अच्छा वो पूछते हैं आपसे बेड ऑफ टॉन्सिल में मसल्स कौन से हैं, तो आपने बस इतना याद रख लें कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल एक जो आपको इधर नजर आ रहा है, और दूसरा मीडियल टेरिगॉइड, ये वाला यहाँ पर है, ठीक है, ये मीडियल टेरिगॉइड एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर। तो बेड ऑफ टॉन्सिल में ये दोनों मसल्स हैं आपके, फेशियाज कौन कौन से हैं, फेरेंजियो बेजिलर फेशिया, बको फेरेंजियल फेशिया, दो फेशियाज दो मसल्स, फिर और क्या है जी, एक आर्टरी एक नर्व, नर्व कौन सी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये येलो सी छोटी सी, आर्टरी कौन सी जी, फेशियल आर्टरी, ये वाली आ रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ है, मैंडिबल का एक एंगल आ गया, बस इतनी बातें भी आप याद रखेंगे ना दैट इज़ वेरी मच फाइन। उसके अलावा फिर आ जाता है ये सब मैंडिबल और सलाइवरी ग्लैंड भी आ जाता है, उस तरह तो स्टाइलोग्लॉसिस भी आ जाता है, लेकिन जो बात आपने नहीं भूलनी वो है आपके दो मसल्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और स्टाइलोग्लॉसिस, सॉरी मैंने मीडियल टेरिगॉइड को कंसिडर कर दिया, स्टाइलोग्लॉसिस को आपने पहले कंसिडर करना है, तीसरे नंबर पर मीडियल टेरिगॉइड है, ठीक है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर स्टाइलोग्लॉसिस, मीडियल टेरिगॉइड कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं भी कहेंगे तो कोई मसला नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो फेशियाज हैं, फ्रेंजियो बेजिलर बकोफेरेंजियल, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एंगल ऑफ मैंडिबल, और उसके बाद फेशियल आर्टरी और एक नर्व, दैट्स इट, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ योर बेड ऑफ टॉन्सिल। अच्छा जी,
तो यहाँ पर होगी हमारे पास टॉन्सिल की बेसिक एनाटॉमी खत्म। अब उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह वो अगले पार्ट में बताती हूँ, अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी, थैंक यू।